मुस्लिम कौम को जगाने का पाली पहुंचे रिजवान अंसारी। सभा में दर्जनों महिलाओं ने थामा जेबी केसेस का दामन। केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो बोले, जागना होगा वरना कल भागना होगा। बीते दिन अनवरी खतीजा सह समा परवीन के नेतृत्व में जेबी केसेस का सम्मान सह जन आशीर्वाद सभा कपाली के ताजनगर मैदान में आयोजित किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक सचिव रिजवान अंसारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो शामिल हुए। सभा का संचालन शंकर महतो और हसमुख भाई ने किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दर्जनों पुरुष एवं महिलाओं ने जेबी केसेस का दामन थामा। सभी का बैच लाकर और माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान सभी ने बारी बारी लोगों को संबोधित किया। की 55 लाख मुसलमानों की आबादी है और आज मुसलमान समाज को सिर्फ और सिर्फ लोग वोट बैंक बनाकर रखे हैं। बेशक हम लोगों ने वोट देने का काम किया, आज 70 वर्षों से हमारे लोग वोट दे रहे हैं और राज्य के विभाजन के बाद और देश की आज़ादी के बाद से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर हमारे लोगों को रखा गया। कहीं नहीं कि समाज की कमजोरी थी, लेकिन अब झारखंड प्रदेश 24 साल का तैयार हो चुका है। हम लोग अपने हक पर बात करेंगे, अपने आबादी पर बात करेंगे, अपने अधिकार पर बात करेंगे, अपने कोयले पर बात करेंगे और अपने हमारे ज़मीनों को जो आज अधिकृत करके रखा है, 1000 एकड़ ज़मीन इस क्षेत्र में हमारे यहाँ के जमींदारों की ज़मीन को रखा है, हमारे रैयतों की ज़मीन को यहाँ के बाहर के कंपनियों ने अधिकृत करके रखा हुआ है, बिल्कुल एक्वायर करके रखा है। ना उस पर कोई मंत्री बात करते हैं, ना मुख्यमंत्री बात करते हैं, ना नेता बात करते हैं, ना विधायक बात करते हैं, ना संजय सेठ जैसे MP बात करते हैं। तो अब हम लोग नेता को नहीं, अपने बेटा को चुनकर सदन भेजेंगे। उसी की तैयारी में हमने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पे अपनी आस्था को जताया है। चूंकि हमारा संघर्ष की साथी हमारे जयराम महतो रहे हैं, मुझे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया हमारी बहनों के द्वारा। आज हमारा स्वागत कार्यक्रम था, हमने अपने लोगों के बीच में, चूंकि हमारा ये मुलाकात का कार्यक्रम था, कोई जनसभा बहुत बड़ी जनसभा नहीं थी, लेकिन हम अपने लोगों के बीच में आए। हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है हमारी बहनों की, जितनी बड़ी मजलिस का हमारे लोगों ने इंतजाम किया है उसी क्रम में आज अपने लोगों से मिलने के लिए। ये हमारा माटी का पार्टी है और हमारा विचार के साथ इन लोग अपने विचार को लाने का एक बड़ा सा काम किया है, बड़ा प्रयास किया है और आगे इसके प्रयास को राज्य स्तर पर लेकर जाएंगे और सोने वाली नदी कहे जाने वाले स्वर्ण रेखा नदी से इस बार इतिहास और झारखंड की गाथा को लिखने का हमारा प्रयास रहेगा। लोकसभा चुनाव सामने है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, हमारे कोर कमेटी का निर्णय हुआ है, 5-6 लोकसभा पर हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और बेहतर रूप से चुनाव को जिताकर हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। दिल्ली जाएंगे, अपने अधिकार पर बात करेंगे। आज तक जिन अधिकारों से हमारे लोगों को अवंचित रखा गया, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हम इन तमाम बिंदुओं पर, तमाम विषयों पर दिल्ली में जाएंगे। सदन पर हमारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे और दिल्ली में भी हम लोग अपने हुंकार को भरने का काम करेंगे और अपने झारखंड के ज्वलंत विषयों पर बात करेंगे, कोयले पर बात करेंगे, अभ्रक पर बात करेंगे, अपने माटी पर बात करेंगे, अपने संस्कृति, अपने विचार पर बात करेंगे, हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे और नव झारखंड के लिए हमारे कदम बढ़े हैं। इंशाल्लाह हमारे लोग 55 लाख की आबादी है, इस नव झारखंड की गाथा को लिखने के लिए हमारे लोग सर पर कफन बांधकर आए हैं। अंजाम क्या होगा इसकी परवाह हमें नहीं है। हमने कहा है कि मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मनोनीत किया गया, उसी के क्रम में यहाँ हमारे लोग हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं, हमारी बहन है, तमाम लोगों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि दादा आप आइए, हम लोग सिर्फ एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम रखेंगे। स्वागत कार्यक्रम होगा जिस दिन पत्रकार महोदय इस कपाली की धरती में जिस दिन जनसभा की तैयारी होगी उस दिन पूरे जमशेदपुर का ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, ये आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं।